नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी ही धमाकेदार खबर, क्योंकि दोस्तों आपने बीते दिनों में बिटकॉइन से जुड़ी खबरें पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन का नाम आया बिटकॉइन में, कैसे लोग रातों रात अरबपति हो गए बिटकॉइन की वजह से। क्योंकि दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की कीमतें तेजी से बढ़ी और इससे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए और अभी भी इसकी कीमत लगभग करीब 8,60,000 रुपए है और लेकिन ये 12 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। तो दोस्तों, एक खुशखबरी ये है कि रिलायंस जियो बहुत जल्दी ही जियो कॉइन लाने वाला है और क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस जियो ने टेलीकॉम में एंट्री के साथ ही एक धमाल मचाया था। तो दोस्तों, जियो बिटकॉइन की तरह ही अब क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो अब जियो कॉइन नाम से क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी में है। हम बताएंगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी जल्दी बजाना। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी जियो कॉइन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और इस टीम में 50 यंग प्रोफेशनल्स हैं और ये मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे बिटकॉइन का कारोबार चलता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कंपनी का टारगेट 25 साल तक के 50 लोगों को भर्ती करके आकाश अंबानी की टीम तैयार की जाएगी। हम आपको बता दें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दरअसल एक तरह की ट्रांजेक्शन लिस्ट का रिकॉर्ड है, जिसको बोलते हैं डिजिटल लेजर, जिससे क्रिप्टोग्राफी से लिंक और सिक्योर किया जाता है। हर ब्लॉक में एक हैश पॉइंटर होता है जो इसे दूसरे ब्लॉक से जोड़ता है। ये टेक्नोलॉजी दो लोगों के बीच हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें रिकॉर्ड की जानकारियाँ कॉपी नहीं की जा सकती, यह डेटाबेस क्लाउड पे होते हैं ताकि इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके और ना ही स्पेस की कमी हो। हम आपको बता दें कि मौजूदा दौर में भारत में क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन और इस जैसे दूसरे कॉइन लीगल नहीं है, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि अगर जियो ऐसी तैयारी कर रहा है तो संभव है कि आने वाले समय में यहाँ इसे लीगल किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इसके इस्तेमाल को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिटकॉइन का मार्केट कैप 600 बिलियन डॉलर का है। हम आपको बता दें कि भारत में फिलहाल यूज़र्स बिटकॉइन से पैसे कमाने के लिए जेब पे नाम के एक ऐप का सहारा लेते हैं, जहां बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। फिलहाल रिलायंस जियो की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, इसके पहले हमने बिटकॉइन के ऊपर भी दो वीडियो बनाए हैं। इसके पहले हमने आपको एक काजीटेल जो आईसीओ है, काजीटेल आईसीओ जब लॉन्च हो रहा था उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था और हमने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से उसको खरीद सकते हैं। हमने आपको डिटेल में बताया था कि आप 4 तरीके से उस काजूटेल आईसीओ को खरीद सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके अलावा हमने काजूटेल आईसीओ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जो मार्केटिंग डायरेक्टर थे इंडिया के लिए, उनसे भी हमने, हमारे चैनल ने उनका भी एक इंटरव्यू लिया था। दोस्तों, हमारा चैनल समय समय पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।